वेलकम टू दुर्गा मॉडलर किचन। आज हम लोग जो वीडियो दिखाने वाले हैं ये 2 BHK फ्लैट इंटीरियर है, महेश टावर में, कांदिवली चारकोप में लोकेटेड है। अच्छा देखते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमने वुडन फिनिश का लेमिनेट यूज़ किया हुआ है और जो ग्रिल हमने यूज़ किया है वो हमारा SS एंटिक ब्रांच का हमने ग्रिल यूज़ किया हुआ है। घर के अंदर एंट्री मारता है तो हमने राइट हैंड साइड में सूर्य का प्रोविजन दिया हुआ है। कम स्पेस था इसके लिए हमने इसको 6 इंचेस के अंदर ही हमने बनाया है। फिर ये हमारा लिविंग रूम का टीवी यूनिट है और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमने नीचे ही यूनिट बनाया हुआ है, बाकी हमने वायरिंग जो है टोटली वॉल से हमने वायर कंसील कर दिया है। और इसमें फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ड्रॉवर के प्रॉब्लम दिए हुए हैं। और इसमें अगर आप मटेरियल देखेंगे तो हमने वुडन फिनिश का टॉप यूज़ किया हुआ है जो हमारा मैट फिनिश में है और लेमिनेट जो है वो हमारा ग्लॉसी फिनिश का लेमिनेट है। फिर अगर आप टीवी के साइड में देखेंगे तो हमने मंदिर के लिए प्रोविजन दिया हुआ है जो हमारा वुडन विथ एक्रिलिक का मंदिर है, जिसमें बैक में भी अगर आप देखेंगे तो हमने लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। उसके नीचे फिर यहाँ पे हमने एक ट्रे दिया हुआ है। फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स यूज़ किया हुआ है। फिर मंदिर के साइड में देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल पैनल यूज़ किया हुआ है। देखिए तो हमारा डाइनिंग टेबल है जो हमारा वॉल माउंटेड फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, हमारे जो किचन की वॉल को अटैच है। और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो हमारा मार्बल फिनिश का ग्लॉसी लेमिनेट है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक सर्विंग विंडो यूज़ किया हुआ है जो हम आगे किचन में आपको दिखा देंगे जो किचन से यूज होता है। फिर अगर आप डाइनिंग टेबल के अपोजिट में देखिए एक साइड में तो हमने यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा यूज़ किया हुआ है। और सोफ़े के जस्ट आगे आप देखिए तो ये हमारा सेंटर टेबल है जो हमारा 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ है, 2 पार्ट हमने अलग अलग रखे हैं फोल्डिंग के लिए। और फिर आप उसके साइड में देखिए तो हमने यहाँ पे विंडो के यहाँ पे इंडियन सेटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें भी हमने कॉर्ड्स यूज़ किया हुआ है। और उसके नीचे फिर हमारा स्टोरेज है। फिर आप सेटिंग के ऊपर देखिए तो यहाँ पे हमने विंडो के लिए कर्टन्स दिया हुआ है जो हमारा स्लाइडिंग ट्रैक पे है। और कर्टन्स के यहाँ पे भी हमने फिर लाइटिंग का प्रोविजन किया हुआ है। फिर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा AC है, ये भी हमने पैनलिंग करके इसका पाइप जो है वो हाइड कर दिया है। ये हमारा लिविंग रूम का सीलिंग है और इसमें फिर हमने जो फ़ैन वगैरह जो यूज़ किया है वो हमारे एक रोज़ गोल्ड और वाइट फिनिश का हमारा फ़ैन है। और उसमें अगर आप लाइटिंग देखेंगे तो हमारा प्रोफाइल लाइट है जो हमने कंसील लाइट यूज़ किया हुआ है। सीलिंग हमने पूरा प्लेन बनाया हुआ है, एक भी इसमें स्टेप नहीं दिया है।
फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाइनिंग के लिए हमने जो सीलिंग दिया हुआ है, डाइनिंग में एक अलग टाइप का सीलिंग दिया है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सीलिंग बनाया हुआ है जो हमारा प्लेन सीलिंग है विथ टू स्ट्रिप और स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे तो वॉशरूम के ऊपर हमने यहाँ पे स्टोरेज का प्रोविजन दिया हुआ है जो हमारा वाटर टैंक हमने यहाँ पे प्रोविजन में रखा है। और फिर ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये हमारा किचन है, किचन हमारा लिविंग से अटैच है, इसके लिए यहाँ पे हमने स्लाइडिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। किचन में हम जैसे ही एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे हमने एक पहले फोल्डिंग डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, या फिर आप इसको चॉपिंग बोर्ड के टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो साइड में हमने एक स्टोरेज के लिए शटर का प्रोविजन दिया हुआ है। ये हमारा मॉड्यूलर किचन जो है हमने एक्रिलिक में बनाया हुआ है। और इसका अगर आप काउंटर टॉप देखेंगे तो हमने G5 यूज़ किया हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे स्टोरेज में देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज के लिए शटर का प्रोविज़न रखा है। उसके साइड में फिर हमने मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ड्रॉर्स दिए हैं जो हमारा SS304 के वायर बास्केट है। और हमने जो चैनल्स वगैरह यूज़ किया हुआ है वो हमारा ऑलिव का सॉफ्ट क्लोजर चैनल है। फिर मीडियम साइज़ का हमने ड्रॉवर दिया है, उसके नीचे हमने बड़े डिब्बे हैं कुकर्स वगैरह रखने के लिए ड्रॉवर्स दिया हुआ है। और नीचे वाले जो हमारे बास्केट है वो मेरे मूवेबल है, फोल्डिंग बास्केट है, तो हम क्लीनिंग के लिए वगैरह उसको निकाल सकते हैं इजीली। फिर उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने कटलरी का प्रोविज़न दिया हुआ है, स्पून नाइफ वगैरह रखने के लिए। उसके नीचे हमने यहाँ पे कप एंड सॉसर्स का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने थाली डिश का प्रोविज़न रखा है। फिर उसके साइड में हमने मल्टीपर्पज़ ड्रॉवर्स दिया हुआ है। फिर हमने कॉर्नर के लिए यहाँ पे एक ब्लाइंड शटर बनाया हुआ है। फिर सिंक के नीचे यहाँ पे हमने एक शटर दिया है जिसमें हमारा डस्टबिन है, डिटर्जेंट पुल आउट वगैरह आ जाएगा। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पहले वॉशिंग मशीन के ऊपर एक माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। और उसके ऊपर हमने एक स्टोरेज का प्रोविज़न दिया है। फिर उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक्वा गार्ड के लिए एक प्रोविज़न रखा है और साइड में हमने स्टोरेज का प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये जो हमारे सेल्फ है वो हाइट में मूवेबल है। फिर यहाँ पे हमारा एक खांचा आ रहा था तो उसमें भी हमने स्टोरेज के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। उसके अपोजिट साइड में भी हमारा सेम खांचा आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने स्टोरेज के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविज़न रखा है। और मीटर हमारा ओपन है क्योंकि यहाँ पे क्लोज करना अलाउड नहीं है। ये हमारा फ्रेमिंग विथ शटर है लॉफ्ट का। और फिर अगर आप उसके अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक फोल्डिंग ब्रेकफास्ट टेबल बनाया हुआ है।
ये हमारा हाइलाइटर टाइल्स है जो हमने ग्लास फिनिश का टाइल्स यूज़ किया हुआ है। ब्रेकफास्ट टेबल के अगर साइड में देखेंगे तो ये आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है जो हमारा एक ओपन विंडो टाइप का है। ये हमारा लिविंग और किचन का आप देखेंगे तो सर्विंग विंडो हमने ही बनाया हुआ है। और इसमें फिर हम अभी आपको ओपन करके दिखाते हैं इसको। ये हमारा सर्विंग विंडो हो गया है किचन के लिए। और ये साइड में हमने यहाँ पे फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का प्रोविजन रखा हुआ है जो हमारा लिविंग से अटैच है। किचन में भी हमने सीलिंग बनाया हुआ है, ये भी हमारा पूरा प्लेन सीलिंग है और हमने एल टाइप उसमें एलईडी प्रोफाइल यूज़ किया हुआ है जो हमारा कंसील एलईडी है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का वार्डरोब है। ये हमारा 6 डोर ओपनेबल शटर वार्डरोब है। फिर इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सेल्फ का प्रोविज़न दिया हुआ है ऊपर और नीचे हमने नॉर्मल ड्रॉवर्स के प्रोविज़न रखे हैं। और उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे सेल्फ है और हमारे सेल्फ जितने भी है वो सब मूवेबल है। हाइट में हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। और इसमें एक साइड में हमने लॉकर का प्रोविज़न दिया हुआ है। और फिर अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविज़न रखा है जो हमारा हाइड्रोलिक लॉफ्ट है। वार्डरोब में अगर आप मटेरियल देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिजिटल लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। और फिर इसमें अगर आप वार्डरोब के हैंडल देखेंगे तो हमने रोज गोल्ड फिनिश के टेक्चर्ड हैंडल यूज़ किए हुए हैं। वार्डरोब के अगर आप साइड में देखेंगे तो हमने स्टडी टेबल का प्रोविज़न रखा हुआ है। और स्टडी टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ड्रॉवर दिया है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे हमने प्लग पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमने एक सेल्फ रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने स्टोरेज का प्रोविज़न रखा हुआ है। और फिर आप स्टडी टेबल के साइड में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक कॉलम का खांचा था तो यहाँ पे भी हमने स्टोरेज उसको यूज़ किया हुआ है एज ए स्टोरेज क्रॉकरी यूनिट टाइप हमने उसको बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हमने जो कर्टन्स और एसी का जो पैनलिंग किया हुआ है और इसमें भी हमने जो ट्रैक यूज़ किया हुआ है वो हमारा चैनल है, हमने रॉड की जगह पर यहाँ पर चैनल यूज़ किया हुआ है। और फिर आप कर्टन्स में देखेंगे तो हमने लाइट का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। बेड के साइड में अगर देखेंगे तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल के लिए हमने मिरर यूज़ किया हुआ है। और स्टोरेज के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कर्टन्स के पीछे हमने हमारा एक खांचा था जो हमने वॉल एक्सटेंड किया था तभी यहाँ पे एक कॉलम मिला था तो वो स्टोरेज हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा हमने ड्रेसिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया हुआ है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का सीलिंग है और इसमें भी हमने ये जो सीलिंग है वो हमारा एकदम प्लेन सीलिंग बनाया हुआ है। और एलईडी लाइट जो है वो हमारा कंसील एलईडी प्रोफाइल लाइट हमने यूज़ किया हुआ है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे एंट्री के राइट हैंड साइड में बेसिन का प्रोविज़न दिया हुआ है। और बेसिन का जो अगर आप काउंटर टॉप देखेंगे तो ये हमने G5 यूज़ किया हुआ है। और बेसिन जो है वो हमारे हमने टाइल्स के मैचिंग में हमने बेसिन लिया हुआ है। और फिर अगर आप बेसिन के ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पे मिरर और विथ हाइड एंड स्टोरेज दिया हुआ है।
और फिर यहाँ पे आप अगर शावर के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर टाइल्स यूज़ किया हुआ है। और साइड में फिर अगर आप देखेंगे तो यही हमने मैचिंग का ही टाइल्स इसमें यूज़ किया हुआ है, जो हमारा वाइट और हाइलाइटर के हमने मैचिंग किया हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे डोर के यहाँ पे भी देखेंगे तो हमने डोर्स का लैमिनेट भी जो है हमने टाइल्स के मैचिंग में किया हुआ है। ये हमारा किड्स बेडरूम है। ये हमारा किड्स बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो एक साइड की वॉल पे हमने स्टडी टेबल का प्रोविजन दिया हुआ है। और स्टडी टेबल में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने नीचे पहले काउंटर टॉप दिया है। और काउंटर टॉप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हैं। और काउंटर टॉप का जो मटेरियल है वो हमारा वुडन फिनिश का है। और ड्रॉवर्स के फेसिंग में जो हमने कलर दिया हुआ है ये हमारा सुपर मैट ग्रे कलर है। और इसमें हमने हैंडल का प्रोविज़न नहीं दिया है, ये हमने हैंडल लेस बनाया है। और फिर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ओपन सेल्फ बनाया है जो हमारा डेकोरेटिव पीसेस के लिए है। और इसमें हमने लाइटिंग का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। और फिर उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने स्टोरेज का प्रोविज़न रखा हुआ है। और इस शटर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने हैंडल की जगह पे 45 डिग्री उसको सैम्फर मारा हुआ है। ये हमारा सॉफ्ट क्लोजर है। और फिर अगर आप विंडो की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमने इंडियन सेटिंग बनाया हुआ है और उसमें हमने नीचे स्टोरेज का प्रोविज़न रखा है। ये भी हमारे सब सॉफ्ट क्लोजर है। ये हमारा एसी पैनलिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एसी का जो पैनलिंग किया हुआ है ऊपर हमारा बीम आ गया था, जो इसके वजह से हमने यहाँ पे पैनलिंग एसी पैनलिंग विद कर्टन्स के लिए भी पैनलिंग प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट का भी प्रोविज़न रखा है। और फिर अगर आप विंडो की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमने कर्टन्स के लिए भी जो पैनलिंग की हुई है जिसमें हमारा चैनल वगैरह हाइड हो जाता है, यहाँ पे भी हमने एलईडी लाइट का प्रोविज़न रखा हुआ है। और कर्टन्स में हमने जो कर्टन्स का ट्रैक है वो हमने चैनल यूज़ किया हुआ है। और फिर उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने इंडियन सेटिंग का प्रोविज़न रखा है। और सेटिंग में हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये हमारा क्वार्ट्ज़ है बेज कलर का। और उसके नीचे फिर हमने स्टोरेज दिया है विथ शटर। और स्टडी टेबल के अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे हमारा सोफ़ा कम बेड आने वाला है। और फिर अगर आप देखिए तो ये हमारा किड्स बेडरूम का सीलिंग है जो हमने पूरा प्लेन सीलिंग यूज़ किया हुआ है। और इसमें हमने एलईडी स्ट्रिप जो है वो कंसील यूज़ की हुई है। एक्चुअली ये घर हमने लास्ट ईयर परचेज़ किया था, तो ये हमारा पहला घर है। तो जब भी पहला घर बाय करते हैं तभी रहता है मन में कि अभी इसको सजाना है डजाना है, अच्छा इंटीरियर करना है। तो हम लोग डायलेमा में थे रहे क्या करना है कैसे करना है किसको अप्रोच करें, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट भी होता है और अच्छा काम भी करवा के लेना है। तो मैंने और अक्षय ने बहुत सारी जगह पर सर्च किया, इंटरनेट पर सर्च किया, इन पर्सनल रेफरेंस निकाले। तो वैसे हमारा चल रहा था तो एक दिन अक्षय को YouTube पे पप्पू जी का रेफरेंस मिला, दुर्गा इंटीरियर्स एंड किचन्स। तो तभी उनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो उनका फर्स्ट कस्ट अपीयरेंस ही बहुत ही डिलाइटफुल था, मतलब क्लाइंट को कैसे कंफर्टेबल करते हैं बताते हैं, वो उन्होंने अच्छी तरह से समझाया।
तो इनिशियल डायलॉग तो उनसे सिर्फ हमारा मॉड्यूलर किचन के हिसाब से हुआ था, बट उन्होंने बोला कि नहीं मैं एंड टू एंड सर्विस भी देता हूँ करके। तो फिर उनसे पूरा हमने डिटेल ले लिया, उनको रिक्वायरमेंट बताया, उन्होंने रेकी किया घर पे, अच्छी तरह से समझाया और बताया, फिर उन्होंने प्लान भी दे दिया। तो उस तरह से मतलब उनसे कॉन्टैक्ट हो गया। फिर बाद में मैडम ने उनको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तरीके से पूछ लिया था। तो अच्छा, तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि हॉल में मेरे को फोल्डिंग डाइनिंग टेबल चाहिए था, डिजाइन मंदिर चाहिए था, ओपन स्पेस चाहिए था, सिटिंग चाहिए थे विंडो के पास, किचन की रिक्वायरमेंट जो भी थी, कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था, मोस्टली मेरा पूरा थिंग वाइट में चाहिए था, तो वो सारे रिक्वायरमेंट मेरे फुलफिल हो गए। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, उनका वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो भी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते वहाँ पर सब कुछ रिक्वायरमेंट रहते वो डाल देते, कुछ भी चेंजेस करना है वहाँ पर डाल देते, उनका स्टाफ ग्रुप में रहता है तो सारी चीज़ें कनेक्टेड मिलती हैं, तो बार बार कॉल करना ये सारा नहीं होता क्योंकि दिन को सारे स्टाफ रहता है वहाँ पर, डिज़ाइन वर्क भी व्हाट्सएप पर मिल जाता है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क वो भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हुई, तो मैं इसके लिए बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और सपोर्ट सिस्टम के बारे में बोला जाए तो जो लैमिनेट सिलेक्शन है, तो पर्सनली पप्पू जी ने हमको मतलब हमारे साथ हर एक शॉप में चले, एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन चार शॉप में गए, जब तक हमको अच्छा लैमिनेट मिला नहीं उन्होंने पर्सनल लेवल पे हमें सजेस्ट किया सब कैसे करना है क्या करना है, ये अच्छा रहेगा वो अच्छा रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन बताए वो हिसाब से, मतलब जब तक क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाती नहीं है तब तक उन्होंने हमको छोड़ा नहीं, बताया ये करो वो करो, वैसे वो हिसाब से तो हमारा चलता ही रहा सब। सो दैट वे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो मतलब इवन दो हैंड ओवर हो गया है वो भी चलने वाला ही है, बट एज अ फैमिली आई एंड अक्षय आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद पप्पू जी एंड दुर्गा मॉड्यूलर किचन एंड एंटायर टीम। सो थैंक यू सो मच।